श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संपूर्ण देशवासियों को आज पुनीत पावन स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। कांवड़ यात्रा में जो भक्त सीहोर आ रहे हैं 16 अगस्त को, उनसे निवेदन करूंगा कि 16 अगस्त के दिन सारे कार्यकर्ता और श्रोता भाई बहन जितने भी हैं सब बाबा को कांवड़ चढ़ाएंगे। इसलिए 16 अगस्त को एक दिन के लिए रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। सारे श्रोता भाई बहन और साथ में कार्यकर्ता जो भी कुबेरेश्वर धाम के हैं वो सभी कांवड़ के लिए जाएंगे और कांवड़ की व्यवस्था में लगेंगे, कांवड़ के जल चढ़ाएंगे बाबा पर। इसलिए 16 अगस्त के दिन बुधवार को रुद्राक्ष वितरण नहीं किया जाएगा। निवेदन है आप सभी से कि इस वीडियो को अपने अपने फेसबुक, यूट्यूब और अपने अपने व्हाट्सएप पर अवश्य भेजें, इससे श्रोता भाई बहनों को ये सूचना पहुंच सके, शिव भक्तों को ये सूचना पहुंच सके। आप सब कांवड़ में आ रहे हैं, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, हर हर महादेव। बाबा की जो कांवड़ भराती है श्रावण महीने की, अब की बार ऐसा विचार करा गया है कि बाबा की जो कांवड़ भराए वो अधिक मास भी रहे और सावन भी रहे, जिससे दुनिया के लोगों को डबल डबल फायदा हो। तो अधिक मास की जो अमावस्या होगी, कहते हैं अधिक मासी अमावस्या श्रावण मध्य है, तो वो जब बाबा की कांवड़ भराती है तो जिंदगी में किसी की झोली खाली नहीं रहती है। तो ऐसा प्रयास करा गया है अधिक मास की अमावस्या रहे और श्रावण का महीना चलता रहे, तो 16 अगस्त के दिन बाबा की कांवड़ सीहोर सीवन नदी से सुबह 9 बजे चलेगी, जो 10 किलोमीटर दूर ये चितावलिया हेमा कुबेर भंडारी की यहाँ चढ़ाई जाएगी। तो जितने भी भक्त लोग जो बाबा की कांवड़ भरने आ रहे हैं, विश्वास लेकर आना कि हम बाबा की कांवड़ लेकर जा रहे हैं, ये कांवड़ हम भर रहे हैं। पर 16 अगस्त सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी के तट से बाबा की कांवड़ लेकर शंकर जी के, हमारे सीहोर के जो मुख्य मंदिर हैं, 5 देवालय, उनके सामने से निकलते हुए कुबेरेश्वर बाबा की चौखट पर आकर बाबा को जल चढ़ाएंगे। ना हम आपको कांवड़ का डंडा देंगे, ना हम लोटा देंगे, ना हम ड्रेस देंगे, क्योंकि हम नेता तो है नहीं कि आपको लोटा भी दे दें और साड़ी भी एक जैसी दे दें या कपड़े भी दे दें। लोटा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा और वस्त्र भी तुम्हारा। जिस वस्त्र को पहनकर कांवड़ की यात्रा करो, उस वस्त्र को घर पर जाकर एक बार झड़ाना जरूर। लोटा भरकर जब पानी चढ़ाओ तो यहाँ से थोड़ा सा जल भरकर ले जाना जरूर, और जो कांवड़ का डंडा लेकर जाओ उसको भी संभाल कर रखना। 1 साल बाद फिर बताना कि बाबा ने भंडार भरा कि नहीं भरा। जब हम कांवड़ का डंडा लेकर, 2 लोटे उसमें बंधे हुए हैं, कई लोग कांवड़ का डंडा भी नहीं रखते, 2 लोटे ही ले लेते, कई लोग गले में पानी की 2 बॉटल ही लटका लेते। शिव जी को जल चढ़ाया, 1 कलश का जल शंकर जी को चढ़ाकर, 2 कलश का जल थोड़ा चढ़ाकर, उसमें से जल बचाकर लाकर शिव का चढ़ा हुआ जल दूसरे वाला पात्र जो खाली करा है उसमें झेल कर लाकर, हम जिस स्थान पर अपना घर है, जिस घर के अंदर जो पानी का हंडा है, मटका है, परिंडा है, अब आपकी भाषा में आप क्या बोलते हो छत्तीसगढ़ में, जहां पानी भरते हो रसोई घर में, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, पानी की बाल्टी, हंडा, जहां रसोई घर के अंदर पीने का पानी रखते हो, उस स्थान पर जब हम कांवड़ का जल लेकर आते हैं, थोड़ा सा उसको एक कटोरी में, 2 दिन तक उस कांवड़ के जल को एक कटोरी में उस पानी के हंडे के पास रखते हैं, और एक घी का दीप हमें 2 दिवस तक रोज शाम के समय लगाना चाहिए। क्यों? उससे हमारे गए हुए जो पितर हैं, पूर्वज हैं, वो जहां पर भी होते हैं उनकी मुक्ति तो होती ही है, साथ में वो हमको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो और जीवन का आनंद सुख पा, ये हमारे पूर्वजों का फल हमें प्राप्त हो जाता। आप लेकर तो जा रहे हो कांवड़, हमने कहा था कि कांवड़ अगर जिसके संतान भी नहीं होती ना, वो झोली में थोड़ा सा चावल का दाना, भले 4 दाना डाले,
8 दाना डाले, 10 दाना डाले, उसकी झोली में पड़ा रहना चाहिए, कावड़ ले जाते समय पड़ा। जो बेटी जो बेटा जो युवान बहन भाई जिस भाव से कावड़ उठा रहे हैं, वो अपने घर से जब स्वस्तिक आप कुकू का रोली का जो रोली होती है कंकु होता है उसका जब स्वस्तिक बनाकर जाएं, तो स्वस्तिक बनाते समय आपके मन में कामना होना चाहिए कि मेरे बाबा मैं तेरे भरोसे पर ये कावड़ लेकर आ रही हूँ और मेरा विश्वास कहता है तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, कावड़ का जल मैं चढ़ाऊंगी और चढ़ाकर जब आऊंगी ये मेरा विश्वास कहता है, अगली कांवड़ की जब तैयारी होगी ना बाबा उससे पहले तू मेरी झोलियां खुशियों से भर देगा, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है।